शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हे त्यांच्या पत्रकार परिषदेला सुरुवात करणार आहेत. आज त्यांच्या रडारवर नेमकं कोण असणार आहे, आज ते कोणावरती टीकेचे बाण सोडणार आहेत याची उत्सुकता लागलेली आहे. जे दृश्य आपण पाहतोय, काही डॉक्युमेंट्स ही माध्यमकर्मींना सध्या वितरित केली जात आहेत. जसं संजय राऊत यांनी आधी सांगितलेलं होतं, ईडी संदर्भात पंतप्रधानांना जे पत्र लिहिलेलं आहे ते सगळ्यांसमोर ठेवलं जाईल असं त्यांनी सांगितलेलं होतं. पत्रकार परिषद घेण्यापूर्वी काही कागदपत्रांची छाननी सुद्धा संजय राऊत यांच्याकडून केली जाते. यापूर्वी ज्यावेळी संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेतलेली होती त्यावेळी त्यांनी भाजपच्या काही नेत्यांवर टीकास्त्र सोडलेलं होतं. सर्व बोल सभी मेरे चौधरी पत्रकार मित्रों को नमस्कार और शिवसेना भवन में आपका स्वागत. बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं. मेरे साथ मेरे साथी मेरे मित्र एमपी शिवसेना के उपनेता अरुण सावंत जी है. आज मुंबई में बहुत कुछ हलचल है, रेड्स के ऊपर रेड्स, धाड़ी वर धाड़ी पड़ता है. उसके लिए आपको भी बहुत काम है, भागम भाग है, यहां से वहां वहां से वहां. तो हमने सोचा हम भी एक रेट डालेंगे, हमको भी अधिकार है घुसने का. अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का. आज मैं देख रहा था सुबह से हमारे कुछ कार्यकर्ता हमारे कुछ लोगों के ऊपर अब ईडी ने आईटी की रेड छोड़ा है, इनकम टैक्स कोई भानामती है वो भानामती, आईटी की भानामती चल रही है. और मुझे तो लगता है कि जब तक ये बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं तब तक हर वार्ड में रेड होती है आईटी की, हर वार्ड में हर शाखा में. अब यही काम आईटी को या सेंट्रल एजेंसी को ईडी और आईटी यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहां जहां शिवसेना का कार्य करता है, जहां जहां शिवसेना की शाखा है, जहां जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां रेड्स करें. ये तो सवाल है सबके मन में इस देश में भी कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्य में ही सिलेक्टेड लोगों को टारगेट क्यों सेंट्रल एजेंसीज कर रही है. ये सवाल है, ये सवाल इसलिए भी है क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहां के जहां सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, रेड करे, देश को हिसाब किताब दे. सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस, ये तो सबको मालूम है. ये सरकार गिराने की जो साजिश है, सरकार को दबाव में लाने की, शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश है. इनकम टैक्स और ईडी को हमने अब तक 50 नाम भेजे हैं विथ एविडेंस 50. और बार बार मैं जिक्र भी किया है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर भी ईडी या इनकम टैक्स को ना उनको कोई ऐसा लगता है कि एक
रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर एक बात बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा ये हमारी सेंट्रल एजेंसी को क्यों नहीं लगता है? हमारे बारे में ये बोगस, ये बोगस, ये बोगस। मिस्टर किरीट सोमया ने एक केंद्रीय मंत्री के बारे में 100 बोगस कंपनी की लिस्ट खुद दी है, आप देखिए रिपोर्ट। कोई मिस्टर ढवंगाले है, बीजेपी के बहुत नजदीक थे, आज भी रहेंगे नागपुर के, उनके लगभग 75 कंपनी की लिस्ट बोगस मैंने खुद भेजी। क्या हो गया उसका? पूरे देश में सबसे ज्यादा ईडी का, ईडी की जो जांच है या रेड्स है या एक्शंस है वो महाराष्ट्र में हो रही है। अब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 14 प्रमुख लोगों के ऊपर एक्शन हुई है, पश्चिम वेस्ट बंगाल में 7 लोगों पर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनके ऊपर ना आईटी ना ईडी। क्या वो लोग मुंबई के रास्ते पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं? इनकम और टैक्स सिर्फ हमारे पास है क्या? ये इनकम टैक्स जो भानामती चल रही है वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। ये भानामती कौन है जो ये सब रेट्स कंट्रोल कर रही है? उस बारे में जल्दी ही शिवसेना बड़ा खुलासा करने जा रही है। फिर जो लगता है 15 फरवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी यहां, तब मैंने एक नाम का जिक्र किया था, सुमित कुमार नरवर। बार बार मैं उस बारे में पूछ रहा हूं ईडी को, इनकम टैक्स को, कि एक सामान्य आदमी बुलंदशहर का दूध बेचता था और 4-5 साल में उसकी प्रॉपर्टी 8,000 करोड़ से ऊपर चली गई। अब वो मलबार हिल में रहता है, पहले उसको कहां भी रहने को घर नहीं था। अब वो व्यक्ति नोएडा में रहता था, उसका मलबार हिल में अब बड़ा आशियाना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। ईडी को, ईडी ने कौन सा चश्मा लगाया है इनकम टैक्स ने? वो चश्मा जरा, उस चश्मे से जरा हमारे तरफ भी देखे। जो आपने चश्मा लगाया है और आपको ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जिनकी संपत्ति 2-4 साल में 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ कहां से आती है? मैं देता हूं आपको पूरे प्रूफ, जल्दी ही दे दूंगा। और दिल्ली और महाराष्ट्र के कौन से बीजेपी के नेता का पैसा, कौन किसकी बेनामी प्रॉपर्टी उसके पास है, ये भी मैं जल्दी ही पहले प्रधानमंत्री को जाकर बताऊंगा, बाद में आपके पास दे दूंगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। दिल्ली में कौन सा बड़ा नेता और महाराष्ट्र का कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता जिसकी पूरी लेन देन उसके साथ होगी, पैसा किसका है? ये ट्राइडेंट ग्रुप कौन सा है मुंबई में जिसको 5 साल पहले सबसे ज्यादा यहां सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट और काम मिलते थे? मेरे पास पूरा है हिसाब किताब, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भानामती और ईडी सबको, ईडी और आईटी हम सबको बताएंगे। उसके बाद चाहे आप हमारे ऊपर रेड भी कर सकते हो, हमको अरेस्ट भी कर सकते हो, आप कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने 15 फरवरी के मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना भवन में ईडी के वसूली एजेंट्स के बारे में बताया था, 4। पांचवा किरीट सोमया भी है उसमें, गेस्ट आर्टिस्ट है वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी, अब उसमें से कुछ अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और मैंने सुना कि इस अधिकारी ने, जो ईडी का अधिकारी था, उसने यूपी के
50 उम्मीदवारों का खर्चा भी किया है, ये मैं सुन रहा हूं। वो आप बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव वहां लड़ रहा है, ये एक नेक्सस, उसका मतलब ये है ईडी भारतीय जनता पार्टी की एटीएम मशीन बन गई। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से मेरा विधान मेरा बयान है एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन। ईडी और ईडी के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एटीएम मशीन बन गए। उनके एक्सट्रॉशन के बारे में मैंने एक पूरा काला चिट्ठा प्रधानमंत्री जी को खुद पीएम कार्यालय में हमने लिख कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 फरवरी 13 पन्ने का लेटर मैंने लिखा, जिसमें मैंने ये बता दिया है प्रधानमंत्री जी को कि आपके स्वच्छ भारत अभियान जो है, सिर्फ कचरा साफ करना नहीं है स्वच्छ भारत अभियान में, उसमें भ्रष्टाचार का कचरा भी हमको साफ करना है। इसलिए देश आपकी जय जयकार भी करता है, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, नोटबंदी, सब कुछ उसमें आता है। तो मैंने लेटर लिखा है कि जिस ईडी को आपने लगाया है सबके खिलाफ हमारा जो आपके राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ, ये ईडी क्या कर रही है असल में? मैंने पूरी वन पार्ट, मैंने जो लेटर लिखा है वो एक पार्ट है, ऐसे में 10 पार्ट उनको देने वाला हूं, किस्तों पे दूंगा। पिछले कुछ वर्षों से ईडी के कुछ अफसर्स और एजेंट्स, उनका एक नेटवर्क बिल्डर्स, डेवलपर्स और कॉरपोरेट्स कंपनी को डराने का काम वो कर रहे हैं, और ईडी का एजेंट्स का एक नेटवर्क जो है वो एक्सट्रॉशन में लगा हुआ है, करोड़ों की वसूली कर रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रधानमंत्री को दी है। और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बोल रहा हूं, आपको डॉक्यूमेंट्स शायद डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट अभी किए हैं। ईडी का ऑफिसर का जो एक्सट्रैक्शन रैकेट है उसमें का जो की फैक्टर है उसका नाम है मिस्टर जितेंद्र चंद्रलाल नवलाल, और आपके जानकारी के लिए मैं उसका पैन नंबर और उसकी 7 अलग अलग कंपनियां भी मैंने आपको दे दी है। इस 7 कंपनियों ने 100 करोड़ से भी आसपास 100 से ज्यादा बिल्डर डेवलपर से वसूली किए है, एक्सट्रॉशन किया है, जिसमें कैश भी है और चेक पेमेंट भी है, डिजिटल ट्रांसफर है उसमें। जिन जिन कंपनियों की ईडी ने जांच की है उस कंपनी ने अपना पैसा जितेंद्र नवलानी के इस 5-7 कंपनी में ट्रांसफर किया है। और यही ईडी जो है, ये जो नवलानी है, ये ईडी के सीनियर अफसर्स, डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर्स, उनके लिए काम करता है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, बाकी सब तो लेटर में है, आप देख सकते हो। ये मेरा पहला लेटर है और जा रहा है। 2017 में ईडी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जांच शुरू की। अचानक जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी और उसकी 7 कंपनियों के खातों में दीवान हाउसिंग फाइनेंस और उसकी जुड़ी कंपनी की ओर से 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। उसके बाद 31 मार्च 2020 तक एसआर वाधवान और उनके फैमिली की ओर से जितेंद्र नवलानी की कंपनियों के खाते में और 15
करोड़ ट्रांसफर हो। नंबर दो, इसी तरह अविनाश भोसले और उनके मामलों की ईडी ने जांच शुरू कर दी। तुरंत अविनाश भोसले एंड ग्रुप से 10 करोड़ रुपए जितेंद्र नवलानी और उसके 7 कंपनियों में ट्रांसफर हो। यूनाइटेड फास्फोरस के मामले में भी यही हुआ है। जैसे ही ईडी की जांच शुरू हो गई, जितेंद्र नवलानी की 7 कंपनियों में 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो। गेलॉर्ड कंपनी लिमिटेड, यही हुआ है। इस कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच शुरू होते ही 10 करोड़ रुपया नवलानी की कंपनी सिक्योर सिस्टम में अनसिक्योर्ड लोन के रूप में रिफ्लेक्ट हो गया। बहुत ही गंभीर बात है। ईडी की जांच शुरू हो गई मॉनसेर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की, तुरंत 15 करोड़ रुपया नवलानी की इसी कंपनी में ट्रांसफर हो गया है। इसी तरह निरका केमिकल्स की जांच शुरू हो गई ईडी की यहां कंपनी, और बाद में नवलानी के खाते में 10 करोड़ और फिर एजीएल के कंपनी से 15 करोड़ अनसिक्योर्ड लोन के रूप में नवलानी के खाते में ट्रांसफर हो गया। मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया ये लिस्ट एंडलेस है और सिर्फ नवलानी की कंपनी में नहीं ट्रांसफर हुआ है, और भी बहुत ऐसे लोग हैं जहां ईडी का पैसा कैश एंड चेक के मामले में और भी उनके एजेंट्स के खाते में ट्रांसफर हुए हैं, कैश में ट्रांसफर हुए, कैश भी दिया है, कैश का फिगर मेरे पास है। ईडी के कौन से अधिकारी का पैसा उसमें है, कहां लिया है, कहां लेन देन हुई है, कितने के लेन देन हुए, पैसा कहां लिफ्ट हुआ है, मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। कौन है जितेंद्र नवलानी, कहां है ये, किसका आदमी है ये, किरीट सोम्या का उनका क्या संबंध है। ईडी के सबसे बड़े अधिकारी मुंबई दिल्ली इंचार्ज, उनका क्या संबंध है, पैसा क्यों ट्रांसफर हो रहा है इसके अकाउंट में। दीवान हाउसिंग, राणा कपूर, ओंकार बिल्डर, सीडीआईएल जैसी कंपनी जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का लोन तक नहीं चुका पा रही है, वो जितेंद्र नवलानी को और उसके कंपनी को करोड़ों करोड़ों रुपया क्यों दे रहे हैं। कंसल्टेंसी फी है ये, कौन सी कंसल्टेंसी चल रही है भाई, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कौन सी कंसल्टेंसी चल रही है। देखिए ये सब पैसा मुंबई में और दिल्ली में बैठे हुए ईडी ऑफिसर के लिए जमा हुआ है, उससे बाहर की देशों में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है बेनामी, और अब हमारे लोगों के 1 लाख 2 लाख 3 लाख का ट्रांजैक्शन देख रहे हो, आपका ट्रांजैक्शन कौन देखेगा। इस रैकेट में कुछ मुंबई और महाराष्ट्र के प्रमुख बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर भी जुड़े हैं, और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास कागज मैंने दिए हैं, आपने देखा होगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है, देश का सबसे बड़ा करप्शन का ये रैकेट है, मुंबई में बैठकर चल रहा है, दिल्ली में बैठकर चल रहा है, महाविकास आघाड़ी के लोगों को भी जो प्रताड़ित करने का काम है ये इसी रैकेट का एक काम है। आज मैंने जो आपको बात बताई है ये सिर्फ 10% है, लेकिन उस बारे में जो मैंने बताई है उस बारे में एक विजिलेंस रिपोर्ट भी आया है सेंट्रल एजेंसी का, जो मैंने बताया है ना आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी, वो भी प्रधानमंत्री के संज्ञान में है। ईडी क्या कर रही है, आज दोपहर को हमने जिस बात का मैंने जिक्र किया जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कर करप्शन, अभी
हा गुन्हा ही तक्रार आज मुंबईचे पोलीस आयुक्त मुंबई के पोलीस कमिश्नर के पास इस करप्शन भ्रष्टाचार एक्सट्रॉशन खंडनी हमने चार ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने दिया है। आप देख सकते हो, आपको उसका भी सर्कुलेशन हो जाएगा। और मुंबई पुलिस ये एक्सट्रॉशन रैकेट की क्रिमिनल सिंडिकेट की जांच आज से शुरू कर रही है। मुंबई पुलिस आई रिपीट मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट इस नेक्सस एक्सट्रॉशन खंडनी हमारे भाषा में मुंबई पुलिस उसकी जांच आज से शुरू कर रही है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ईडी के कुछ अफसर जेल में जा सकते हैं। ये चोरी, ये लफंगेगिरी, ये डकैती, ये एक्सट्रॉशन मुंबई में जो चल रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया कहां जा रहा है? क्या पीएम केयर फंड में जा रहा है? क्या नहीं, आपके घर में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, विदेश में जा रहा है और ये भी रैकेट में दे दूंगा आपको। उसमें कौन शामिल है और बीजेपी के कौन से नेता शामिल है उसमें? ये वसूली एजेंट में बीजेपी के भी नेता शामिल है, पूरा उसमें आपको जानकारी दे दूंगा। आज हमने उस बारे में ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च की है, आप देख सकते हैं। और ये हवा की बात नहीं है, कागज है। कुछ लोग कागज मांगते हैं ना, कागज के ऊपर बहुत विश्वास है। हमने हजारों पन्ने कागज दिए ईडी में, लेकिन कोई अब तक उस कागज पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब हमारी जो एजेंसी है उसके पास कागज गए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस पूरे विश्व में बेस्ट पुलिस है। दूसरी बात है, ये किरीट सोमया जी है, महान महात्मा, सबके भ्रष्टाचार के मामले निकालते हैं, कागज फड़फड़ाते हैं, करने दो, उनकी हॉबी है, निकलता तो कुछ नहीं। मैंने उनके बारे में भी एक सवाल पूछा था कि आप बार बार पीएमसी बैंक घोटाला, राकेश वाधवान, एचडीआईएल, पत्राचार के भ्रष्टाचार के मामले में बोलते हो, अच्छी बात है, कोई भी हो भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त सवाल पूछा था 15 फरवरी को कि पीएमसी बैंक घोटाले का जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है एचडीआईएल के को फाउंडर मिस्टर राकेश वाधवान के साथ आपके बिजनेस रिलेशन क्या है? आप हम सबको बताते हैं ना, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी। तो मेरा सवाल इतना ही था कि आपका रिलेशन क्या है। और मैंने वसई गोखिवरी की एक जमीन के बारे में भी एक मसला दिया था कि जहां आपकी उसके साथ सीधी पार्टनरशिप है, उसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि जून जुलाई 2015 में मिस्टर किरीट सोमया ने एचडीआईएल और जीवीके कंपनी मुंबई एयरपोर्ट की 63 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया और लगातार एमएमआरडीए में लगातार कंप्लेंट्स फाइल, लगातार उनकी जो आदत है ही सीरियल कंप्लेनर, सीरियल किलर होता है, सीरियल रेपिस्ट होता है, उस तरह से यह आदमी सीरियल कंप्लेनेंट है। लगातार उसने कंप्लेंट एमएमआरडी में की 63 एकड़ जमीन के बाद, और अक्टूबर 2015 में यही सोमया ने फिर से एमएमआरडी को लेटर लिखकर आरोप लगाया कि एचडीआईएल को 1 करोड़ स्क्वायर फीट कमर्शियल लैंड गिफ्ट की गई है जिसकी मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ है, इसलिए घोटाले का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये दोनों कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए।
ये किरीट सोमैया की मांग है, लेटर मेरे पास है, आपको सर्कुलेट किया है। सोमैया यहां पर नहीं रुके, एक साल तक वो लगातार सीरियल कंप्लेन आई, लगातार एमएमआरडी को कंप्लेन करते रहे और 2015 से 2016 तक बार बार सोमैया इस घोटाले की जांच की मांग करते रहे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमैया के लिखे किसी भी लेटर में ये मेंशन नहीं है कि उन्होंने ये सोकॉल घोटाले की पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई शिकायत की। मामला सेंट्रल का है, वहां भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो जानकारी नहीं है। उनके कागज जो मेरे पास है उसमें किसी भी सेंट्रल एजेंसी को उसकी कंप्लेंट नहीं है। और उस वक्त तो सिटिंग एमपी थे, अगर वो चाहे तो लोकसभा में मुद्दा उठा सकते थे, लेकिन मुझे दिखाने में रिकॉर्ड ढूंढ रहा था कि लोकसभा में भी ये मुद्दा मिस्टर सोमैया ने नहीं उठाया है। उससे उलट 2016 में सोमैया ने अचानक एमएमआरडीए को कंप्लेंट करना ही बंद कर दिया और दूसरी तरफ 1 दिसंबर 2016 को सोमैया के बेटे नील सोमैया को अचानक निकॉन इंफ्रा एलएलपी में पार्टनर बनाया गया। कंप्लेंट बंद, नील किरीट सोमैया निकॉन इंफ्रा का पार्टनर बन गया। 27 जुलाई को निकॉन इंफ्रा ने वसे में एक जमीन के 5168 स्क्वायर मीटर एफएसआई के डेवलपमेंट के राइट लिए। कहां किससे लिया है? ये एचडीआईएल के फाउंडर चेयरमैन और पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वाधवान से, उनका जो फ्रंट मैन है लधानी, जिसके साथ अब मिस्टर सोमैया के पुत्र पार्टनर बन गए। कल तक तो पीएमसी बैंक घोटाले का आरोपी था, बाद में वसई में ही साई रिदम रियालिटर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनरशिप की 14,420 स्क्वायर मीटर जमीन पर निकॉन इंफ्रा एलएलपी की दो बिल्डिंगें बनाने के डेवलपमेंट राइट्स भी मिल गए। वो भी जमीन ओरिजिनली राकेश वाधवान की है, वो भी जमीन राकेश वाधवान की है, उसके भी राइट और एग्रीमेंट्स ये कंपनी से हो गए, जिसमें मिस्टर नील किरीट सोमैया वन ऑफ द पार्टनर है। अगर साई रिदम की इस जमीन का मालिकाना हक राकेश कुमार वाधवान का था और पैसा किसी और कंपनी को ट्रांसफर किया गया है, ऐसा क्यों किया है? एक रैकेट है और उसमें मैं पहले से बोल रहा हूं, राकेश वाधवान को पीएमसी बैंक घोटाले में ब्लैकमेल करके जमीन ली और बाद में कंप्लेंट्स बंद है। पूरा यह व्यवहार सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। जब सोमैया वाधवान के एचडीआईएल को लेकर इतने गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, तो ये सोमैया फैमिली वाधवान के साथ या वाधवान के जमीन के साथ इस प्रकार से सस्पिशियस व्यवहार, बिजनेस पार्टनरशिप कैसे कर सकती है? हजारों करोड़ का बिजनेस है ये। अगर एक आदमी किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, पीएमसी बैंक लूटने का आरोप लगाते हैं, उसी व्यक्ति के जमीन पर जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है हजारों करोड़ का, उसमें नील किरीट सोमैया बिजनेस पार्टनर कैसा बन सकता है? इस सवाल का जवाब अब तक कोई नहीं दे पा रहा है और ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दे पा रहा है। मुझे लगता है इसकी भी जांच हो रही है। चाहे अब आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला है वगैरह, सब ठीक है, आप बोल रहे हैं मेरे पास क्या कोई कंप्लेंट ही फाइल नहीं हुआ है, नहीं हुई, उसका मतलब कल नहीं होगी? पुलिस कंप्लेंट आज नहीं कर रही है, लेकिन जो जांच चल रही है और जांच जिस दिशा में जा रही है, जो एविडेंस सामने आ रही है, मार्क माय वर्ड्स, बाप बेटे जेल में जाए, आप कितने भी कागज फड़फड़ाइए। ये नील किरीट सोमैया के जो पार्टनर है देवेंद्र लढ़ानी की कंपनी साई रिदम रियालेटर्स,
उस फाइनेंशियल ईयर 2013-2014 की अगर उसकी बैलेंस शीट आप देखें, लैंड परचेस के कॉलम में मैंने कागज दिए हैं। राकेश वाधवान का सीधा रेफरेंस है और राकेश वाधवान से अकाउंट से इस कंपनी में लगभग 5 करोड़ रुपए आए हैं। दो एंट्रीज है, एक 3,08,56,000 की एंट्री है और दूसरे पूरे कागज, पूरे बैलेंस शीट, पूरे बैंक अकाउंट्स के कागज हमने आपको दिए। आप चाहे कितने भी फटफड़ाए, आपको ये कागज के बारे में बता रहा हूं। आप झूठ मूठ बताइए, लेकिन बताइए। और भी कागज आ रहे हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं कि आपको शिवसेना भवन में बार बार आना है इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आज मैंने इस देश का सबसे बड़ा ईडी का घोटाला आपके सामने दिया है। एक छोटा सा पन्ना है जो हमारे पास जानकारी है, और भी आ रहे हैं। और अगले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अधिकारियों के नाम लेकर बताने वाला हूं किसको क्या मिला है, किसने किससे एक्सट्रॉशन किया है। और जो पॉलिटिकल सिंडिकेट चल रहा है ना हमारे खिलाफ, उसका सूत्रधार कौन है, सब कुछ बताऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा, आप चाहे हमारे खिलाफ कितनी भी ताकत लगाइए, चाहे शिवसेना हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, आप कितनी भी साजिश रचिए, कितनी भी ताकत लगाइए, कितनी भी बदनाम करिए, लेकिन ये सरकार और हम सब मुख्यमंत्री से लेकर नीचे का कार्यकर्ता, आप हमारा बाल नहीं बांका कर सकते। ये सरकार रहेगी, महाविकास आघाड़ी रहेगी, और चाहे मुंबई महानगर पालिका को सामने रखकर अगर आप हमारे लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हो, झूठे एक्शन, तो ये आपके ऊपर बुमरांग होने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका में आपके लोग क्या कर रहे थे इतने दिन तक, किसको कितना हिस्सा मिला है आपके लोगों को, आपने कैसे एक्सट्रॉशन किया है मुंबई महानगर पालिका से, ये भी हम भानामती जो है ना आईटी भानामती डिपार्टमेंट को हम भेज रहे हैं। हम देखेंगे आप उनके ऊपर कैसे रेड्स करते हैं। लेकिन आज की ताजा खबर यही है कि कंप्लेनेंट अरविंद जगन्नाथ भोसले, उसने मेरे कागज के ऊपर जो मैंने आपको दिए हैं मुंबई पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल किया है और उसकी जांच हो रही है और जांच एक अंजाम तक पहुंचेगी। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था ईडी के 3 अधिकारी बिहाइंड द बार हो गए। धन्यवाद, जय हिंद। आप कागज पढ़ लीजिए, आप पता चलेगा। बघा, हा तपासाचा भाग असतो, एक लक्षात घ्या, दिस इज द मॅटर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन। ये इन्व्हेस्टिगेशन है, मुंबई पोलीस उसकी पूरी नीचे तक जाकर जांच करे। मुंबई पोलीस को भी किसी को भी समन्स कर बुलाने का पूरा अधिकार है ऐसे मामले में। अगर आपको अधिकार है हमको उठा, हमें भी अधिकार, अगर आपको अधिकार है सेंट्रल एजेंसी को, समझ लीजिए वो अधिकार स्टेट सरकार को भी होता है। अब वो अधिकार क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। दो सवाल ये, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें 1:52 का वक्त जो अरविंद जी के नाम से है, तो क्लैरिटी चाहिए। नहीं, मैं क्लैरिटी वगैरह नहीं, मैंने कागज दिया है, आपका हर सवाल का जवाब मैं नहीं दे दूंगा। राउत साहब, ज्यांची नावा आपण त्याच्यात उल्लेख केलेला आहे, सगळं नावा आहे आणि 58 कोटी रुपयांचं ट्रान्झॅक्शन आपण दाखवतो, ते चेक्स आहे, चेक्स आहे, तर त्या लोकांची तक्रार ही नोंद करणार आहात त्या लोकांची? मी बघा, तुम्हाला कळलं पाहिजे की आता हा विषय गेलेला आहे मुंबई पोलिसांकडे, हे प्रश्न मुंबई पोलिसांची हे उत्तर देऊ शकतील। तक्रारदार नाही आम्ही, नाही तपास कोणत्या दिशेने जाईल, तपासासाठी कोणाला बोलवलं जाईल,
हे मुंबई पोलीस ठरवतील. आम्ही काय भारतीय जनता पक्षाचे लोक आहोत का? आता ह्याला बोलवणार, आता त्याला बोलवणार, अब उसको उठाएंगे, अब उसको सुलाएंगे, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है. वी आर लॉ मेकर्स. हमारा जो ठाकरे सरकार है वो कानून से काम करती है, तो कानून से ही काम होगा. जिसको बजाना है वो कानून से बजेगा. देखिए रिटर्न, देखिए बात ऐसी है भाई, मैं प्रधानमंत्री को एक शिकायत की है. आप मुंबई पुलिस के पास आज दोपहर को ऑफिशियल हमारी कंप्लेंट हो गई है. अब मेरी जानकारी है कि जांच की शुरुआत हो रही है. थैंक यू वेरी मच. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.